मुकाबला किया जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से बल प्रयोग कर वहां से हटाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को। और ये प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया और प्रदर्शनकारियों ने जो गाड़ियों में तोड़फोड़ की, इस बात का विरोध किया गया, क्योंकि प्रदर्शन की इजाजत इसी बात को लेकर दी गई थी कि आपका प्रदर्शन किसी भी तरह से अशांति नहीं फैलने देगा और प्रदर्शन जो है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होगा, पुलिस के साथ आप अपनी दंड कला का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी उसमें बात थी। हालांकि प्रदर्शनकारी अपने झंडे का डंडा लेकर पुलिस की लाठियों का सामना करने की कोशिश करते भी नजर आए। और ये तस्वीरें जो पटना से सामने आई, पटना में लाठी चार्ज कर वहां से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। जो प्रदर्शनकारी जो दुकानदार अपनी दुकान खोलना चाह रहे थे उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे और वहां पर प्रदर्शनकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। और ये बात पूरी तरह से इस बंद में निषेध की गई थी और बंद जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से बुलाए जाने की बात कही जा रही थी। और बंद के लिए पहले ही सबसे पहली जो शर्त थी वो ये कि किसी भी तरह अशांति नहीं होने दी जाएगी और जो विरोध है वो सिर्फ और सिर्फ आपका मौखिक स्तर पर होना चाहिए, किसी पर जोर जबरदस्ती या बल प्रयोग आपका नहीं होना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर लाठी चार्ज करना पड़ा प्रदर्शनकारियों को यहाँ से भगाने के लिए। और देखिए तस्वीरें, प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा और इस दौरान देखिए पुलिस बल को अपने बल का प्रयोग करना पड़ा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गाड़ियों में जो तोड़फोड़ की गई थी और जो उत्पात वहां पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा मचाया जा रहा था उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज किया गया और इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने खदेड़ने का काम किया उन प्रदर्शनकारियों को जो डंडे और अन्य हथियार लेकर सड़कों पर उतर रहे थे या किसी तरह का उत्पात वो मचा रहे थे भारत बंद के दौरान। पटना में बवाल की खबर आ रही है, बिहार की राजधानी पटना से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा पटना सिटी में भी कुछ छिटपुट ऐसी घटनाएं हुई हैं, जबकि इसके अलावा भी कुछ बिहार के हिस्सों की यदि हम बात करें तो दरभंगा में, इसके अलावा नवादा में ट्रेन रोके जाने की भी जानकारी मिल रही थी। और साथ ही साथ दरभंगा में जो प्रदर्शनकारी हैं वो रेलवे ट्रैक पर उतर आए थे। साथ ही मोतिहारी पूर्णिया में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, बाजार बंद रहे। हालांकि बाजार बंद रखने की जो शर्त थी, प्रदर्शन की जो शर्त थी, भारत बंद को लेकर जो परमिशन दी गई थी उसका सिर्फ एकमात्र जो पहला जो उद्देश्य था, पहला जो ध्येय था वो ये कि किसी भी तरह से कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होगी, किसी भी तरह की हिंसक वारदात नहीं होनी चाहिए। हालांकि प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो ये जो सीमा थी उसे लांघा गया और इस तय मानक को तोड़ा गया, जोर जबरदस्ती दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया गया, सड़क पर चल रही गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा सुनिश्चित करने का जो उन्हें जिम्मा दिया गया था उसके लिए उन्होंने वहां बल प्रयोग किया और उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बवाल वहां पर हुआ, काफी देर तक ये उत्पात चलता रहा और उसके बाद जो सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मचारी थे उन्हें अपने बल का प्रयोग करना पड़ा लाठी और डंडों से और वहां पर लोगों को खदेड़ना पड़ा। इस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार की ये पटना से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों ने भारत बंद तो बुलाया और भारत बंद के लिए सड़कों पर भी उतरे, प्रदर्शन भी किया, नारे भी लगाए, झंडा लेकर भी घूम रहे थे, लेकिन वहां पर लोगों से जोर जबरदस्ती करी और फिर अपने झंडे के डंडे से पुलिस के साथ अपनी दंड कला का जौहर भी दिखाते नजर आए। तो वहीं बस्तर में भारत बंद का व्यापक असर दिखाई दिया, संभाग मुख्यालय जगदलपुर में सभी दुकानें बंद रहीं, सड़कें सुनसान नजर आईं। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शाम 5 बजे तक बंद का समर्थन किया, जबकि भारत बंद के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखना और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना यह प्रदर्शनकारियों की एक पहली शर्त है, जबकि बस्तर में इसका व्यापक असर दिखाई दिया, संभाग मुख्यालय जगदलपुर में सभी दुकानों को बंद रखा गया। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन राजधानी